जो पजामा के बाद ठीक है। हाँ हाँ सब ठीक है। एक लंबी सी गन है जिस पर टेलीस्कोप लगा हुआ है। खतरा बड़ा है। कुछ ऐसा ही कहते होंगे हमारे आर्मी ऑफिसर्स। द लाइफ ऑफ मेन इन यूनिफॉर्म इज टफ एंड ये हम सब जानते हैं और समझते भी हैं। लेकिन बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज भी हैं जो बॉर्डर पर इतना कुछ कर जाते हैं हम सबके लिए, जो बात हम तक पहुंच तक नहीं पाती है। ऐसे ही एक अनसंग हीरो नेव सूबेदार सोमवीर सिंह की कहानी पर बेस्ड है ये सीरीज। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कारण, यू आर वाचिंग ENT लाइव। सो गाइस, अभी-अभी मैंने Amazon मिनी टीवी पर देखा है रक्षक इंडियाज ब्रेव्स का चैप्टर 2। वैसे ये पहली बार हुआ है जब season 1 फिल्म रही हो और season 2 सीरीज के फॉर्मेट में रिलीज किया गया हो। खैर, इसकी फिल्म यानी season 1 तो इंप्रेसिव था ही, बट व्हाट अबाउट season 2? लेट्स फाइंड आउट इट टुडेस रिव्यू। तो रक्षक इंडियाज ब्रेव्स चैप्टर 2 की कहानी, जैसा मैंने पहले बताया, बेस्ड है नेव सूबेदार सोमवीर सिंह पर। पुलवामा अटैक के बाद जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और वहां पर डिफेंस मिनिस्टर आने वाले हैं। इसी बीच कुछ और टेररिस्ट एक्टिविटीज उस एरिया में देखने को मिलती है, जिसके लिए पुलिस और आर्मी ने जॉइंट ऑपरेशन कैरी किया है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है वहां पर, और इस खतरे में कैसे दो बहादुर जवान साथ में आते हैं, जान लगा देते हैं वो एक्टिविटी रोकने के लिए, इसी के ऊपर पूरी कहानी इस बार बेस्ड है। कहानी को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है बिना ड्रैग किए, वो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा है। 3 एपिसोड्स में इस सीजन को खत्म कर दिया गया है, विच इज अ ग्रेट थिंग। हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स के अराउंड रखी गई है, जो ज्यादा बड़ी नहीं लगती है, एंड टू द पॉइंट बात कहने की यहाँ पर कोशिश की गई है। बाकी ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, ये ऑलरेडी हमें ट्रेलर में बता दिया गया था। जो एक और बात मुझे कहीं ना कहीं एंगेज करी है यहाँ पर, वो ये थी कि अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच की पॉलिटिक्स को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। ये आई डोंट थिंक पहले हमें किसी शो या फिल्म में देखने को मिला था, सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट टू वॉच। यहाँ थ्रिल है, टेंशन है, डायलॉग्स इस बार काफी अच्छे है और स्क्रीन प्ले भी टाइट रखा गया है। हाँ, BGM मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगा है। मुझे कई जगह पर इस सीजन का ऑडियो लेवल भी मेंटेन नहीं लगा है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं एडिटिंग की भी गलती लगी है। एंड समटाइम्स द BGM इज जस्ट टू लाउड कि एक्टर्स के डायलॉग्स क्लियरली सुनाई नहीं देते हैं। बाकी बात करूं यहाँ पर एक्टर्स की, तो कोहरा के बाद वरुण सोपती ने यहाँ पर भी कमाल का काम किया है। वेरी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस इन लीड। हरियाणवी एक्सेंट को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पकड़ा है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड सेम गोज फॉर सुरभि चांदना एज वेल, जिन्होंने उनकी वाइफ का कैरेक्टर यहाँ पर प्ले किया है। इनफैक्ट विश्वास किनी का काम मुझे यहाँ पर पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया है। उनके और वरुण सोपती के साथ में जो सीन्स है ना, जो दोस्ती वाले, वो आपको बहुत पसंद आते हैं। इनके अलावा बाकी एक्टर्स की एक्शन भी वॉज ऑन पॉइंट और वो उनका होमवर्क में दिखाई देता है। ये सीजन आपको इंस्पायर भी करता है, रुलाता भी है। इनफैक्ट स्पेशली लास्ट एपिसोड में वरुण सोपती हैज डेफिनेटली नेल्ड इट। यहाँ हो ही नहीं सकता कि कोई ना रोए। हाँ, एक बात जो मुझे यहाँ पर नेगेटिव लगी है इस सीजन में, वो ये थी कि बैटल सीन्स की एडिट मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। वहाँ पर काफी अब्रप्ट कट्स किए गए हैं और वो आप नोटिस कर लेते हो। वहाँ शॉट्स की क्वालिटी भी मुझे कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं लगी। जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया था वो वहाँ शायद फॉलो नहीं हो पाया। बाकी Amazon मिनी टीवी पर आया, जो कि फ्री है, कास्ट अच्छी है, स्टोरी लाइन अच्छी है, इट्स डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। बाकी इसमें कुछ वल्गैरिटी नहीं है, गालियां भी नहीं है, प्रॉपर फैमिली टाइप शो है, जिसे आप अपने परिवार के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हो और कहीं ना कहीं रो भी सकते हो, इंस्पायर भी हो सकते हो। इसी के साथ गाइस, मैं दे रही हूँ रक्षक के season 2 को 3.5 out of 5 stars। अगर पेट्रियोटिक और आर्मी बेस्ड शोज और फिल्म्स आपको पसंद है तो इसको जरूर देखना, और हाँ, अपने व्यूज कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। इसी के साथ अभी के लिए नहीं, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया, विच आई एम श्योर आया होगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर करना मत भूलना।